समुद्री जहाज बहुत देखे होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन एक ऐसा जहाज जिसका नाम सुनकर इसकी हिस्ट्री जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जहाज के बारे में जिसका नाम है टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1901 को बनाना शुरू किया था और 31 मई 1911 को ये जहाज बनकर तैयार हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल जहाज था जिसमें 4 चिमनियाँ लगी थी। इसकी 3 चिमनियाँ काम करती थी और 1 चिमनी इसलिए लगाई गई थी ताकि जहाज का बैलेंस बना रहे। ये जहाज एक छोटे लैंड की तरह था। इस जहाज को वाइल्ड स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाया गया था और ये दावा किया गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा क्योंकि ये इतना विशाल और बड़ा है। टाइटैनिक की पहली यात्रा शुरू हुई थी 10 अप्रैल 1912 को, जिसमें ब्रिटेन से अमेरिका तक का सफ़र तय करना था। इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। इसके फर्नीचर, इसके रूम्स, सब कुछ फर्स्ट क्लास था। इस जहाज में मांसाहारी से लेकर शाकाहारी तक सब सामान मौजूद था। लेकिन जब टाइटैनिक जहाज अपनी यात्रा तय कर न्यूफाउंडलैंड पहुंचा तो उसी दिन यह जहाज एक बर्फ की चट्टान से जाकर टकराया। कप्तान को चट्टानों के बारे में काफ़ी चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि कप्तान ने सोचा कि ये अपना मुख मोड़ लेगी, लेकिन रफ्तार तेज़ होने के कारण ये बड़ी सी बर्फ की चट्टान से जाकर टकराया, जिसके कारण टाइटैनिक जहाज का एक हिस्सा डैमेज हो गया और उसके अंदर पानी जाना शुरू हो गया। तकरीबन 2 बजे ये जहाज पूरा पानी से भर चुका था और समुंदर में समा चुका था। लेकिन समुंदर में समाने से पहले इस जहाज में क्या हुआ था? लोगों को ये पता चल गया कि जहाज डूबने वाला है। लोगों ने हिम्मत करके यात्रियों को हिम्मत देना शुरू कर दिया। इस जहाज़ में लाइफ बोट्स की भी बहुत कमी थी, इसलिए ज़्यादा यात्रियों को बचाना नामुमकिन था और समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिससे इंसान ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। यह भी कहा जाता है कि जहाज के डूबने से पहले जहाज में मौजूद म्यूजिशियन ने इसमें बैंड बजाया था ताकि वो लोगों के उत्साह को बढ़ा सके और आखिरी समय में खुशी का आनंद ले सके। बैंड बजाने वाले मजिशियंस का तो कोई पता नहीं है और ना ही आखिरी समय में कौन सा बैंड बजाया गया था इसके बारे में कोई जानकारी है। टाइटैनिक जहाज में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास प्लस ओपन बर्थिंग एरियाज था। जब यात्रियों को इस जहाज से बचाया जा रहा था तब बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले जहाज से बाहर निकाला जा रहा था। टाइटैनिक जहाज पर 1997 में एक फिल्म भी बनाई गई थी। इस फिल्म को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले और ये फिल्म टाइटैनिक की पूरी कहानी को बयां करते हैं। टाइटैनिक जहाज जहाँ डूबा था वहाँ काफ़ी सारे लोगों के सामान भी मौजूद थे। टाइटैनिक जहाज को अब तक नहीं निकाला गया क्योंकि इसे निकालना कोई आसान बात नहीं है। इसको निकालने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बने थे, काफ़ी सारी प्लानिंग्स हुई थी, लेकिन कोई भी प्लानिंग सफल ना हो पाई, इसलिए ये अभी तक निकालना नामुमकिन था। टाइटैनिक जहाज एक ऐसा जहाज है जिसके नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस रात लोगों पर क्या बीत रही होगी। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को